बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की चर्चा को जदयू ने बेकार की बात करार दिया है। जदयू की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की खबर बेबुनियाद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली जगजाहिर है ना कि बिहारी अस्मिता उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रणब मुखर्जी जी का समर्थन किया था, यह दृष्टिगत रखते हुए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड हम भाई भाई हैं। देखिए, यही नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। उन्होंने राजनीतिक संदर्भ नहीं देखे, उन्होंने बिहारी अस्मिता को देखा कि बिहारी मूल के नागरिक प्रथम नागरिक बन रहे हैं, तो उनको समर्थन किया। जब बिहार के महामहिम राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी थे, जो दलित विमर्श के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जब उनको मौका मिला देश के प्रथम नागरिक होने का, तो हमने यह नहीं देखा। हमने यह देखा कि भाई बिहार के वो महामहिम रहे हैं, तो उनको यह मौका मिला है, तो उस मौके का हमने इस्तेमाल किया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण बिहारी प्राइड होता है, बिहारी आत्मसम्मान। वह कलंक के रूप में नहीं, गौरव गाथा के रूप में हो, ये तो हर बिहारी चाहता है। इसलिए ऐसा कोई विमर्श जो राजनीतिक गलियारे में मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं, इसका कोई तथ्यगत औचित्य वर्तमान समय में नहीं है। ना अभी राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, ना राष्ट्रपति के अभी ये कोई किसी से मिल लें, इसका कोई निहितार्थ है क्या आने वाले समय में? कांग्रेस तो सीधा कह रही है कि अगर कोई बिहारी होता है, अभी सामने में ही कह रहे हैं कि अगर कोई बिहारी होते हैं राष्ट्रपति, समीर जी जो बहुत तारीफ कर रहे हैं भाई, अभी अब उनकी पार्टी तय कर ली होगी। हम नहीं जानते कि कब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, नहीं हुई, क्या निर्णय हुआ, वो मैं नहीं जानता। मैं सीधे अभी तौर पर कह रहा हूँ कि राज्य की जनता का जो अभी जनादेश है, वह मुख्यमंत्री के रूप में है। सर्वाधिक दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, विकास की नज़ीर है माननीय नीतीश कुमार जी। अब कौन किससे कहाँ मिल लिया, अब इसके आधार पर कोई मीडिया में न्यूज चल जाए, तो इसका कोई औचित्य नहीं, प्लेटफॉर्म पर कोई चर्चा नहीं, नहीं नहीं कहीं कोई चर्चा नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो हवा बनाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे, आखिर ये राष्ट्रपति इनको बनाएगा कौन? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनके गोद में बैठे हैं आरएसएस बीजेपी के, वो तो अब उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से बेदखल करने वाले। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।